संविधान के हिसाब से, संविधान के तरीके से ही देश में हर एक काम होगा। इसके अलावा कोई काम नहीं होने देंगे जो संविधान के विरुद्ध हो। इतनी सी मांग है, जिसका इससे परेशानी है वो हमारे खिलाफ ही रहेगा, हमें कोई परेशानी नहीं है उससे। आज बहुत बड़ी विक्ट्री, सफलता का दिन है और होना भी था। क्या दिन है आज? 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। ये है हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। हम अपनी जान तो दे देंगे लेकिन बाबा साहब के संविधान पे आज नहीं। अब सभी साथियों से गुजारिश है कि जेल जाने के लिए जो लोग तैयार नहीं, बेकरार हैं। हम सब बेकरार हैं। जो बेकरार हैं उनकी लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाएं। देश में 10 लाख लोगों की लिस्ट हमें तैयार करनी है जो जेल जाने के लिए बेकरार हैं। जेल भरो आंदोलन, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संतोष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सिर्फ, हमारी मांग एक ही है, दूसरी कोई मांग नहीं है। संविधान के हिसाब से, संविधान के तरीके से ही देश में हर एक काम होगा। इसके अलावा कोई काम नहीं होने देंगे जो संविधान के विरुद्ध हो। इतनी सी मांग है, जिसका इससे परेशानी है वो हमारे खिलाफ ही रहेगा, हमें कोई परेशानी नहीं है उससे। तो इसीलिए और हमारी कोई डिमांड नहीं है। भारत का संविधान हम मिशन चला रहे हैं। मैं ये वादा करना चाहता हूं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक कार्यकर्ता, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। और हमारा संविधान की रक्षा का मतलब है तत्काल संविधान की रक्षा। जहां संविधान जमीन पे तोड़ा जाएगा, जहां संविधान जमीन पे तोड़ा जाएगा वहां हम लोग मौजूद होंगे। चाहे कोई वाल्मीकि मंदिर तोड़ा जा रहा हो, चाहे कोई मस्जिद तोड़ी जा रही हो, चाहे गुरुद्वारा तोड़ा जा रहा हो, कुछ भी चर्च तोड़ा जा रहा हो, गैर कानूनी तरीके से। और हम लोग जो आपके सामने खड़े हैं, हम लोगों में से बहुत सारे लोग रोजे से हैं। अफ्तार का वक्त जो है वो 1 घंटे बचे हैं अफ्तार के वक्त में। तो या तो आप अफ्तार से पहले हमारे तमाम साथियों को बाहर छोड़ दें ताकि हम लोग एक साथ अफ्तार कर सकें, नमाज पढ़ सकें, नहीं तो कम से कम उनके अफ्तारी का आप वहाँ इंतजाम करें। ये हमें नहीं होना चाहिए, नहीं हम लोग यही थाने के सामने ही बैठ के अफ्तार क्यों चली जाओ, बाहर भेजने का लेटर लाइए मुझे अपने बड़े अफसर से। जबरदस्ती आप लोग गुंडागर्दी करेंगे पुलिस की वर्दी में, जो मर्जी आए। हेलो सभी साथियों को जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत, जय भारत। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का आज एक बहुत बड़ी सक्सेस हुई है। जिस प्रकार से संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जुडिशरी पे हमला कर रहे थे, आज वो सभी लोग, वो तानाशाह लोग सुन लें, देश की जनता नहीं है ना, तो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे
अपने देश की जुडिशरी को ऊपर हमला सहन नहीं करेंगे। हम लोग गोली खाने को तैयार हैं, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जजेस पे हमला हम सहने के लिए तैयार नहीं है। हम जुडिशरी में जो हालात है उससे खुश नहीं है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक संस्था है जो फिर भी लोगों की उम्मीद रखती है कि न्याय मिलेगा, हम उसमें हमला कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम लॉयर्स, जो कि सबसे बड़ा माध्यम है देश में, सबसे बड़ा माध्यम है न्याय दिलवाने के लिए, हम एडवोकेट्स पे भी हमला नहीं बर्दाश्त करेंगे। पूरे देश में हमारी ये मांग है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आएगा और कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति जजेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो जेलें खाली नहीं रहेंगी, जेलों में जगह नहीं मिलेगी, स्टेडियम भर जाएंगे, सारी पब्लिक प्लेसेस भर जाएंगी, हम लोग इतनी गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन कोई भी प्राइवेट पर्सन तो कुछ खोल सकता है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन मंत्री, प्रधानमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए व्यक्ति जजेस के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये देश की जनता का कहना है। धमका नहीं सकते उनको, इसलिए नहीं धमका सकते कि अडानी के खिलाफ फैसले नहीं देने, हम सब समझते हैं, देश की जनता सब समझती है और जेल जाने से डरती नहीं है, आज हमने ये साबित कर दिया। आज बहुत बड़ी विक्ट्री, सफलता का दिन है और होना भी था। क्या दिन है आज? 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, ये है हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। हम अपनी जान तो दे देंगे लेकिन बाबा साहब के संविधान पे आज नहीं। सीधी फ्लैश चालू कर दो भाई। सर कहाँ है? सर अंदर है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, राजा सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजा सर संघर्ष।
यहाँ पर चलता है कि मिलना क्या है। हम ये कहते हैं